सुप्रीम कोर्ट की मदद से शनिवार को कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा को हरा दिया। बहुमत साबित करने से पहले ही येदुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार गिरने के बाद शहर कांग्रेस कार्यालय के बाहर जश्न मनाया गया। कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री येदुरप्पा अपना बहुमत साबित नहीं कर सके। बहुमत साबित करने से पहले ही येदुरप्पा ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। येदुरप्पा ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि कांग्रेस और जेडीएस ने अनैतिक गठबंधन कर उन्हें बहुमत साबित नहीं करने दिया। जिस तरह येदुरप्पा ने इस्तीफे का प्रस्ताव रखा उससे प्रेरित होता है कि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। कर्नाटक के अंदर जो खेल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में खेला, उस खेल का आज यहाँ पर्दा गिर चुका है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने जो है अपने आदेश के अंदर आज 4 बजे तक अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वहाँ येदुरप्पा जी को जो कहा उसके तहत आज उनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो 15 दिन का समय लिया था जो संवैधानिक पद पर बैठते हुए उन्होंने 15 दिन का जो समय राज्यपाल जी ने दिया उनको उसकी भी हम जो है घोर आलोचना करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तमाचा मारा है कि 15 दिन के अंदर जो खरीद फरोख्त होती और जिस तरह प्रजातंत्र का गला घोंटता उस पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट माननीय का बहुत धन्यवाद और धन्यवाद, प्रजातंत्र का आज जीत है लोकतंत्र की और एक नई अच्छी प्रजातांत्रिक सरकार वहाँ मिलेगी कर्नाटक में। मैं सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ, राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो प्यार का इजहार करना या फिर हो पेट भरना, मौज मस्ती का मूड हो दोस्तों को खुश करना, जिंदगी को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।